हेलो फ्रेंड्स, आज हम पांचवी कक्षा हिंदी विषय हिंदी फुलवारी इस पुस्तक से वह अमर रहेगा ये पाठ सीखने वाले हैं। तो इस प्रस्तुत पाठ में एक युद्ध की पूरी कहानी दी है कि वो युद्ध हमारे भारतीय नौजवानों ने कैसे जीता था। तो चलिए हम शुरू करते हैं वह अमर रहेगा। 17 दिसंबर 1971 जो दिन है युद्ध का वो है 17 दिसंबर 1971। युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। 17 पूना हॉर्स नाम के टैंकों के एक दस्ते को समाचार मिला। टैंकों के दस्ते होते हैं तो उनमें से एक दस्ता 17 पूना हॉर्स इस नाम के टैंकों के दस्ते को समाचार मिला कि टैंकों की 3 पलटनों ने जरपाल पर अचानक हमला कर दिया है। जरपाल यानी कि एक स्थान का नाम है, वहाँ हमला कर दिया है। हमलावरों की संख्या 3 गुनी देखकर हमारे सैनिकों से 3 गुनी थी देखकर स्क्वाड्रन कमांडर ने रेडियो द्वारा मदद मांगी। तो 17 पूना हॉर्स के सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल बी दस्ते के सबसे नज़दीक थे। जैसे ही हमले की खबर मिली वे तुरंत अपने सैनिकों के साथ दुश्मन के मुकाबले के लिए निकले। कौन निकले? सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। उनके पीछे कप्तान मल्होत्रा और लेफ्टिनेंट अवतार सिंह अहलावत। इन दोनों के टैंकों की टुकड़ियां चली। लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के पीछे कप्तान मल्होत्रा और लेफ्टिनेंट अवतार सिंह अहलावत की टैंकों की टुकड़ियां चली। लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और लेफ्टिनेंट अहलावत रास्ता जांचते चल रहे थे। उन पर दुश्मन के बंकरों में छिपी तोपों से भारी गोलाबारी भी हो रही थी। रुकने का मतलब था तत्काल मौत, क्योंकि छिपने के लिए कहाँ जगह ही नहीं थी, समय की भी कमी थी। मोर्चे पर डटे मेजर बल को समय पर मदद नहीं मिलती तो स्थिति बेहद खतरनाक हो जाती थी। तो लगातार हो रही गोलाबारी के कारण वे जरपाल कभी न पहुंच पाते। अचानक पूरब में 450 मीटर की दूरी पर आग की लपटें देखकर अरुण झट दाएं मुड़े और बंदूक दागते हुए अपने सैनिकों के साथ दुश्मन के बंकरों पर हमला बोल दिया, उन पर कब्जा भी कर लिया। फिर टैंक के गुबंद से बाहर कूद बहुचक्के दुश्मनी जत्थे को टैंक की मीनार जो होती है टरेट बोलते हैं उसको, उसमें कैद करके आगे बढ़े। दुश्मनी जत्थे को टैंक के मीनार में कैद कर दिया और आगे बढ़े। इतनी संख्या में मदद आती देखकर शत्रु पहले ही परेशान थे, अब वे पीछे हटने लगे। एक शत्रु टैंक भागने की कोशिश में अपने दस्ते से अलग पड़ गया। खेत्रपाल पीछा करते हुए टैंक के पास पहुंच गए और उस पर गोलियों की बौछार कर दी। फिर उसके दूसरे टैंक के पीछे पड़ गए, उसको भी उड़ा डाला। अब वे अपने दस्ते के साथ हो लिए और उनका उद्देश्य दुश्मनों के दुर्ग का सफाया कर उन्हें सीमा के पार खदेड़ना था। और अरुण और नायब रियासदार सगत सिंह एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। दूसरी टुकड़ी कप्तान मल्होत्रा और लेफ्टिनेंट अहलावत के नेतृत्व में थी। वे संभलते हुए आगे बढ़े
अरुण ने दूरबीन से देखा, हे भगवान, उनके हमले के जवाब में शत्रु 13 लैंसर नामक टैंक दस्ते की 3 टुकड़ियां जवाबी हमला करने के लिए बढ़ी आ रही है। देखो, टैंकों की सीधी दीवार बनाने का आदेश देकर अरुण और सगत सिंह दुश्मन के पीछे हो लिए। आगे सगत सिंह, पीछे अरुण, शत्रु लाइन के 200 मीटर इधर ही अरुण और सगत पीछे से निकले और अलग अलग होकर 13 लांसर की बाई टुकड़ी पर धावा बोल दिया। 13 लांसर की बाई टुकड़ी पर धावा बोल दिया। दुश्मन इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार न था। संख्या में अधिक होने के बावजूद दुश्मन की रणनीति गड़बड़ा गई। अब इक्का दुक्का टैंकों पर हमला करना आसान हो गया। हमले में सगत बुरी तरह घायल हो गए। देखो, सगत सिंह घायल हो गए और उनको अकेले जूझते देख कप्तान मल्होत्रा और लेफ्टिनेंट अहलावत सहायता करने दौड़े। दो दिशाओं से निकलकर तीनों रणक्षेत्र के बीचों बीच पहुंच गए। वे 3 तरफ से शत्रु से घिर चुके थे। सहायता मिलने की कोई उम्मीद न थी। अब तो बस करो या मरो का सवाल था। पीठ से पीठ मिलाकर तीनों ने एक घातक त्रिकोण बनाया। किसने? मल्होत्रा, अहलावत और अरुण। इन्होंने एक घातक त्रिकोण बनाया और गोनों की बोछार के साथ चक्रव्यूह तोड़ने की कोशिश करने लगे। भयंकर युद्ध हुआ। मशीन गनों और गोनों की गरज से आकाश गूंज उठा। घने धुएं की चादर वातावरण पर छा गई। उन्होंने 2 ही मिनट में दुश्मन के 6 टैंक उड़ा डाले। जब तीनों ने 7वां टैंक नष्ट किया तो अहलावत के टैंक पर एक गोला गिरा और वे आग की लपटों में लुप्त हो गए। शत्रु के बचे हुए 7 टैंकों को भगाने के लिए अब सिर्फ क्षेत्रपाल और मल्होत्रा रह गए थे। क्षेत्रपाल और मल्होत्रा। शत्रु के पैटर्न टैंकों की लाइनें तहस नहस हो गई। दूर एक पेड़ के नीचे रुककर चारों टैंकों ने भारत के टैंकों पर गोले दागने शुरू कर दिए, एक पेड़ के नीचे से। पर चूंकि शत्रु पहुंच के बाहर था, इसलिए जवाबी हमला तो नहीं किया जा सकता। दुश्मन ने सोचा कि विरोधी पक्ष का असला खत्म हो गया है। वे व्यू बनाकर बड़ी सावधानी से आगे बढ़ने लगे। अरुण जानते थे कि उनके टैंक हमला सहन नहीं कर पाएंगे। उनकी टुकड़ी जरपाल के पूरब में लगभग आधे मील की दूरी पर तैनात थी। शत्रु को निशाने की सीमा में लाना होगा। अरुण ने मन ही मन में फैसला किया। उन्होंने शत्रु के सामने से होते हुए सर्वोच्च की ओर बढ़ने का नाटक किया। देखो, अपने बुद्धि का उपयोग करने लगे और शत्रु झांसे में आ गया। पीठ दिखाकर भाग रहा है, उस पकड़ो उसे, उनका कमांडर दहाड़ा। परंतु 4 टैंक लाइन से अलग हुए और अरुण का पीछा करने लगे। वे अब भी शत्रु की पहुंच के बाहर थे। जब अरुण अपनी टुकड़ी से केवल 80 मीटर दूर रह गए तो उन्होंने अचानक अपने चालों को वापस मुड़ने को आदेश दिया और चिल्लाए, फायर। टैंक तेजी से पलटा, शत्रु चौंक उठा। उधर दूसरे भारतीय टैंकों ने भी अरुण के निर्देश पर निकट आकर शत्रु टैंकों को घेर लिया। शाबाश नत्थु, अरुण ने गोले दागने वाले सैनिक की तारीफ की। नंद सिंह, बाएं घूमो, 275 डिग्री देखो, वे 3 टैंक उड़ा दो। कप्तान मल्होत्रा अरुण के इस काम से चकित हो गए। क्या हो गया है इसे, उन्होंने सोचा। पर जब उन्होंने गौर से देखा तो अवाक रह गए। सेकंड लेफ्टिनेंट क्षेत्रपाल 3 टैंकों का पीछा कर रहे थे। एक टैंक उनका पीछा कर रहा था और वे उसके निशाने की पहुंच में थे। कप्तान मल्होत्रा इस अंतिम टैंक को नष्ट करने पड़े। उन्होंने गोली चालक को टैंक के बुर्ज और इंजन पर निशाना लगाने का आदेश दिया। निशाने की पहुंच में आने पर तोपची ने तोप का बटन दबाया, कुछ नहीं हुआ। फिर दबाया, तोप मौन थी। सर, बटन दबाने की कोशिश करते हुए वह चिल्लाया, तोप जाम हो गई है, नहीं चल रही। कप्तान मल्होत्रा ने आंखें मली। हे भगवान, वे बोले, हे भगवान, अरुण बेटे, अब सब तुम्हारे ऊपर है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा।
गड़गड़ाहट सुन अरुण ने पीछे मुड़कर देखा, सामने टैंक के बंदूक की नली थी। बाप रे, वह चिल्लाए, यह कैसे? नथू, मीनार घुमाओ, पूरी नली सीधी करो। पर इसके पहले कि नथू कुछ करता, टैंक से एक आग का गोला छूटा और उनका टैंक कांप गया। निशाना एकदम सीधा पड़ा और उनके कानों में सूं की आवाज़ गूंजी। उन्होंने सिर को झटका दिया, फिर नीचे देखा कितना नुकसान हुआ। पीछे के टैंक से फिर आग कौंधी और अरुण ने देखा कि उनके इंजन से आग की लपटें उठ रही थी। सर सर, गोली चालक चिल्लाया, मेरा गुबंध टूट गया है, निरीक्षक को चोट लग गई है। अरुण ने शांति से कहा, कोई बात नहीं नथू, कोई बात नहीं। क्या तुम हिल डुल सकते हो? शाबाश, बाएं वापस चलो, मीनार घूम चुकी है। बहुत अच्छा, अब फायर। अगले ही क्षण शत्रु ने शत्रु का एक और टैंक नष्ट कर दिया। देखो, अपने टैंक जलते देख कप्तान मल्होत्रा ने सैनिकों को टैंक खाली करने का आदेश दिया। अरुण समझ गए कि उनके कमांडर का टैंक काम नहीं कर रहा था और शत्रु का हमला जारी था। वे कप्तान के आदेश को नज़रअंदाज करते हुए धैर्यपूर्वक सामने के तीन टैंकों पर गोली बरसाते रहे। दो टैंकों को नष्ट करके वे अंतिम टैंक की ओर मुड़े। दोनों दल एक दूसरे के नज़दीक आ गए थे। आमने सामने दोनों में केवल 75 मीटर का फासला था। अब तो बस एक ही काम तमाम करना था। जलते गुबंध में नीचे झुककर अरुण खेत्रपाल चिल्लाए, फायर। और शत्रु कमांडर ने पहले ही गोला दाग दिया। गोले ने अरुण की मीनार उड़ा दी। चालक, गोली चालक और अरुण बुरी तरह घायल हो गए। भारतीय टैंक ने वापस गोले दागे, दुश्मन के टैंक की तोफ नष्ट हो गई। अगले गोले ने टैंक के दो टुकड़े कर दिए। कमांडर को छोड़कर बाकी सभी सैनिक मारे गए। नंद सिंह, जो स्वयं खून बहने से कमज़ोर हो गया था, किसी तरह टूटे टैंक को वापस अपने डेरे की तरफ ले चला। जैसे तैसे वो भारतीय लाइन में आ पहुंचा, जहां जवानों ने जोश के साथ स्वागत किया। खून से सनी सीट से ऊँचक कर नंद सिंह ने देखा, उसके कमांडर सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल खून में लथपथ पड़े हैं। बोलने में असमर्थ अरुण ने इशारे से अपने आदमियों के बारे में पूछा। नंद सिंह ने आश्वासन दिया कि सब ठीक है। सेकंड लेफ्टिनेंट ने अपना सिर फिर नीचे टिका लिया और कुछ बोले, वे उनके अंतिम शब्द थे। अरुण खेत्रपाल को बहादुरी का सबसे ऊंचा सम्मान परमवीर चक्र प्रदान किया गया। उन्होंने दृढ़ संकल्प और अत्यंत साहस के साथ भयंकर परिस्थितियों का मुकाबला करके एक अमूल्य मिसाल कायम की। परमवीर चक्र उनके इसी शौर्य के लिए राष्ट्र की ओर से श्रद्धांजलि था। तो कोई भी युद्ध सिर्फ बोलना तो सीधा सहज लगता है, पर युद्ध इतना सहज और सीधा नहीं होता। तो आज ये पाठ यहीं पे ख़त्म हुआ। अगले पाठ में हम इसी पाठ का स्वाध्याय देखेंगे। थैंक यू।